बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2013 हल प्रश्न पत्र कला वर्ग प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ सामान्य ज्ञान। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? ऑप्शन ए मौर्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट। सिंचाई कर किसने लगाया? सिंचाई कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? दुख निरोधगामी प्रतिपदा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। 5 सत्तों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? अहिंसा। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? भूटान देश के थे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 17। कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है? शुक्र। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तापी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। गुल रुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुल रुखी के नाम से कविता लिखता था। खालसा की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ? सन 1992 में। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। WHO की स्थापना कब हुआ था? सन 1995 में, 1 जनवरी 1995। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बब्बर शेरों का अभयारण्य कहाँ पे है? बी बब्बर शेरों का अभयारण्य गिरी राष्ट्रीय उद्यान में है। फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? बूफा। 2012 में आया था दिसंबर। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? मुंबई। हाई भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? सोमालिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? ममता शर्मा। 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज्यादा खिताब जीते? साइना नेहवाल। सितार का आविष्कार किसने किया था? आमिर खुसरो। कौन सी ठंडी जलधारा है? कनारी की जलधारा। ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? राजस्थान। ड्रिप की सिंचाई
राजस्थान में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? केरल। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98 फारेनहाइट। NCERT का पूरा नाम क्या है? NCERT का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत का विश्व स्मारक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अंधेरा किसकी कृति है? अखिलेश। भारत में हरित क्रांति के पितामह M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के पितामह M.S. स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? अलबरूनी। जवामनों संबंधित हैं मंगोल प्रजाति से। अनेकतावाद किस धर्म से संबंधित है? अनेकतावाद जैन धर्म से संबंधित है। अर्जुन किससे संबंधित हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बरनी। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोज शाही। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। धारा की इकाई क्या होता है? धारा का इकाई एम्पियर। कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है MB में। खंडवा 51, निम्न में कौन सा वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त तो होता है? मानसिक दासता सदा काल से ही चली आ रही है अशुद्ध रूप से। निम्न में कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? विदेशज। राष्ट्रीय का संधि विच्छेद है। राष्ट्रीय का संधि विच्छेद राजधन ऋषि। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? 54 का ए अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है। जिस संज्ञा के साथ अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 55 सी समूहवाचक संज्ञा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? खड़ी बोली में। हंसी का तत्सम शब्द क्या है? हंसी का तत्सम शब्द क्या है? डी हास्य। अवलोकन में प्रयुक्त तो उपसर्ग है। ओ, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं इस वाक्य में वह गाता है क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया जाता है? खड़ी बोली। आलोचना का पर्यायवाची है समीक्षा। अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। अनुय विनय से भी ना पसीजना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? टस से मस ना होने का। टस से मस ना होना। प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? 65 का सी निदर्शन। निदर्शन उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? 66 डी तदित। रमेश गिर पड़ा इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? संयुक्त क्रिया। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? बी जीने के लिए उपन्यास के लेखक राहुल सांकृत्यान है। 68 बी।
आवश्यकता से अधिक धन के त्याग क्या क्या अर्थ है? अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, आहूत का विलोम क्या होगा? अनाहूत। पावक शब्द में प्रत्यय है अख। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय की। अभ्यर्थी में कौन सी संधि विच्छेद है? यण संधि। अभ्यर्थी में यण संधि। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? बी पारगमय। पारगमय। 76 और 77 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। इस लड़की ने दही गिरा दी। इस लड़की ने दही गिरा दी। 76 का ए, इस लड़की ने दही गिरा दिया। इस लड़की ने दही गिरा दिया। आंसू से आंचल भीग गई। आंसू से आंचल भीग गया। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द भावी। अभिजात का विलोम बताइए। अभिजात का विलोम आकुलीन। निम्नलिखित में कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है गोविंदा। गोविंदा। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होने का। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निराकार। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तिर्धनकारा। बी बी ऑप्शन। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सामान्य। रुपया पैसा में समास बताइए। द्वंद्व समास। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक में आक प्रत्यय है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? विधन अर्थ। व्यर्थ का विधन अर्थ। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन। गाय की सही संधि विच्छेद क्या है? गय धन अक। गय धन अक। नीलांबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मोहन जा रहा है। मोहन जा रहा है। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द चित्तशील। वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट। निम्नलिखित में किस शब्द का बहुवचन नहीं होता है? प्रतीक। निम्नलिखित में किस शब्द का बहुवचन नहीं होता है? प्रतीक। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है पहला पद। पहला पद प्रधान होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र खंड आ अभिक्षमता परीक्षण। राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ वर्ष 1993 में 5 दिसंबर रविवार को मनाई थी। वर्ष 1997 उनकी शादी की वर्षगांठ किस दिन होगी? सी शुक्रवार। मेरे भाई की आयु से दुगने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ तो मेरा भाई कितने वर्ष का होगा? वर्ष का है 9 वर्ष। 50 सदस्यों वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है।
दूसरी ओर से उसका स्थान कौन सा होगा? डी 41वां। डी 41वां। पांच बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। ओ यम से तीसरा है जो यन के बाईं ओर है, तथा पी क्यू से बाईं ओर है जो यन से चौथा है। दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा होगा? सी चौथा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी का नीला, नीला को लाल, लाल को सफेद, को आकाश, को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु, तथा वायु को मेघ कहा जाए, तो बताइए निम्न में कौन सा दूध का रंग होगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी का नीला, नीला को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश। यदि किसी भाषा में पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफेद कहा जाए, सफेद को आकाश कहा जाए, वर्षा को आकाश को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को वायु कहा जाए, तथा वायु को मेघ कहा जाए, तो बताइए निम्न में कौन सा रंग दूध का रंग होगा? पांच का डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? बी बीज, पौधा, कपास, धागा, कमीज। 6 का बी। सुमित्रा की उत्तर की ओर 8 मीटर चला और दाएं मुड़ करके 16 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? सुमित्रा कितनी दूरी पर है? 13 मीटर दूर। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल किए गए हैं। समीकरण का उत्तर होगा 3 × 5 × 7 = 15, 2 × 4 × 6 = 12, 4 × 7 × 9। सही आंसर 8 का डी 20। किसी सांकेतिक भाषा में पिट एनई टॉम का आशय है एप्पल इज ग्रीन, नेक हो टॉप का आशय है ग्रीन एंड वाइट, तथा हो टॉम का आशय है सल्ट इज वाइट है, तो बताइए एप्पल का क्या संकेत है? एप्पल का क्या संकेत है? पिट। एप्पल का संकेत पिट। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? एक्स वाई के एक्स, जेड के वाई, जेड के एक्स वाई जेड, ई। यहाँ एक्स वाई जेड के की श्रृंखला बन रही है। यहाँ एक्स वाई जेड के की श्रृंखला बन रही है। प्रश्न नंबर 11-12 एक अनुकरण दिया जिनमें से एक दो पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 11, फिर 1, फिर 2, फिर 8, फिर 33, फिर 148। क्वेश्चन नंबर 11, T 765। 18, 22, 21, 20, 24, 18 क्वेश्चन मार्क। 12 का A 27। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, वह दाईं ओर 45 अंश घूमकर सीधे चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है? डी दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। निम्न शब्दों का शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित, पहला 4, 2, 3, 5, 1। क्वेश्चन नंबर 14 का D 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5। 4 पे है,
फिर वन पे है, फिर थ्री पे है, टू पे, फिर फाइव पे। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 15 ए 50। क्वेश्चन नंबर 15 का ए 50। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दिया गया है क्यू यू आई एन टी ई डबल एस ई एन सी ई। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ई डबल एस ई एन सी ई नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17 एक व्यक्ति पूरब की ओर 400 मीटर जाता है, वह बाईं ओर मुड़ के 400 मीटर चलता है, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर फिर बाईं ओर मुड़ के 100 मीटर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी मीटर में है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 का डी 500 मीटर दूरी पे है। यदि एक कूट भाषा में लूज को 1357 लिखा जाता है तो गैन जी ए आई एन को 2468 लिखा जाता है, तो 84615 को अंक किस शब्द के प्रतीक हैं। तो 84615 अंक किस शब्द के प्रतीक हैं। 18 का ए एन ए आई एल एस। नीचे दिए गए चित्र में छोटा त्रिभुज वृत्त और आयत। नीचे दिए गए चित्र में छोटा त्रिभुज वृत्त और आयत क्रमशः अध्यापक, राजनीतिक, स्नातक और सांसदों को दर्शाता है। विभिन्न चित्र को अंग्रेजी और मॉडल से दर्शाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक स्नातक है पर सांसद नहीं। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक स्नातक है पर सांसद नहीं है। 19 का ए बी और सी। बी और सी जो राजनीतिक स्नातक का पर सांसद नहीं है। 1:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कोण होगा। बी 80 अंश। 21:23 दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुनिए। 21 का बी, 22 का सी, 21 बी ऑप्शन। दिए गए अक्षर समूह में पी के क्यू आई को छोड़कर अन्य सभी विपरीत अक्षरों के समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तबला अन्य सभी से भिन्न है क्योंकि अन्य सभी तार युक्त वाद्य यंत्र हैं। तार युक्त वाद्य यंत्र हैं तबला को छोड़कर। 24:27 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। 24C 80:730 समानुपाती क्वेश्चन मार्क 344 क्वेश्चन मार्क में 48। क्वेश्चन नंबर 24 का सी। 25 का सी पी जेड क्यू डब्ल्यू अनुपाते एन एक्स ओ यू समान अनुपाते एफ आई एस के डी जी क्यू आई। डी जी क्यू आई कागज पेंसिल प्याला। कागज पेंसिल प्याला बी तस्तरी। कागज का जैसे पेंसिल प्याला का तस्तरी। बेंची छुर मछली मेढक सशंका। बेंचू मेढक है। सशंका किससे हो जाएगा। ए जिस प्रकार मेढक के विकास की एक अवस्था बेंची छुच मछली कहलाती है उसी प्रकार सशक खरगोश के विकास की एक अवस्था है। सशका जो है खरगोश की विकास की एक अवस्था है। 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घने को एक साथ रख के 3 इंच किनारे वाले को एक ठोस घन बनाया जाता है बनाया गया है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया है तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। 28B। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 यदि बीते कल से पहले
दिन बृहस्पतिवार था, बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा? 29 सी आने वाला कल। बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, तो कल का दिन शुक्रवार होगा, आज का दिन शनिवार होगा, अतः आने वाला कल रविवार होगा। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा? आने वाला कल। क्वेश्चन 30, यदि ए बराबर 1 और एंड बराबर 19, तब बैट बराबर 30 का भी 23, 30 का भी 23 होगा। क्वेश्चन 31, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर, आर बैठी है एन के दाहिनी ओर परंतु ओ के बाईं ओर, बीच में कौन बैठी है? ए यानी कि ओ बैठी है, ए। 31 ए ऑप्शन। ए और बी भाई हैं, ए पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, एफ का ए से क्या संबंध है? सी भतीजी। 32 सी, एक विशेष प्रकार से एस टी ए जी शब्द को HGZT और HORN को SLIM लिखा गया कोड कहा गया है, उसी कोड का प्रयोग नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जा सकता है? 33 बी MLIGS। यदि 34 स्टार 12 बराबर 33, 28 स्टार 76 बराबर 52, 97 स्टार 39 बराबर 68, तो 37 स्टार 73 क्या होना चाहिए? 34 डी 55। 34 राइट ऑप्शन डी। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? ए डैश बी डैश ए डबल बी डैश ए बी डैश ए फिर डैश बी ए यानी सी। 35 सी बी ए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर जाता है, वह बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर फिर बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी मीटर में है? पाँच सौ मीटर क्वेश्चन हो गया था लेकिन दोहरा दिया गया एक बार। क्वेश्चन नंबर 36, 5 4 3, 6 5 4, 7 6 3, 23 14 क्वेश्चन मार्क, खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा? सी 7। 5 × 6 − 7 बराबर 23, 4 × 5 − 6 बराबर 14। फिर नेक्स्ट है 3 × 4 − 3 बराबर 9। ऑप्शन गलत, यहाँ 9 तो यहाँ पे आएगा 9। 37 47, निम्नलिखित सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। ए बी सी डी ई तथा एफ एक समूह के 6 सदस्य हैं जिनमें 3 महिला सदस्य हैं, वे तीनों विभाग लेखा प्रशासन तथा कार्मिक में काम करती हैं तथा 3 भिन्न भिन्न मंजिलों प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पर बैठती हैं, एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति एक ही मंजिल पर नहीं है, कोई भी दो महिला एक ही विभाग तथा एक ही मंजिल पर काम नहीं करती है, बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु कार्मिक में नहीं है, डी प्रशासन में काम करता है, एफ और ए क्रमशः प्रथम और तृतीय मंजिलों पर हैं तथा एक ही विभाग में काम करते हैं, एक महिला द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है, एक पुरुष प्रथम मंजिल पर काम करता है। हल मंजिल 1 2 3, पुरुष विभाग ए कर्मिक, सी प्रशासन, बी लेखा, महिला विभाग डी प्रशासन, ई लेखा, एफ कर्मिक। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रशासन में काम करता है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रशासन में काम करता है? तो डी और सी।
डी और सी। निम्नलिखित में से स्त्रियों का कौन सा समूह है? ई डी एफ। एफ किस विभाग में कार्य रत्न है? क्रमिक। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा दूसरी मंजिल पर है कार्य रत्न? डी और बी। तीसरी मंजिल पर पुरुष कौन है? ए। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है? 42 का बी, पषाण युग, धातु युग, मिश्र धातु युग, अणु युग। छह मित्र ए बी सी डी ई एफ। छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुंह करके बैठे, एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है, ए और ई के बीच, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर हैं, ए और ई के बी ई के निकटतम दाएं डी के बाईं ओर है, और आई एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर कौन है? ए डी। चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा? 36 माइनस 6 भागे 4 प्लस 2 गुणे 3 बराबर 7, माइनस तथा गुणा की। यदि एप्लीकेशन को एक कूट भाषा में 177 38 41 94 65 लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में प्रीपोजिशन को किस प्रकार लिया जाएगा? PERCEPTION को किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रीपोजिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रीपोजिशन 45 ए, 73 82 37 94 65। एफ के पास एस की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है, ई के पास एफ से अधिक किंतु एस से कम धन है, सबसे निर्धन कौन है? 46 का डी, जी। 46 का डी। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। U1, B2, A3, N4, R5। 47 B। 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4। यदि मास्टर को एक कूट भाषा में स्मार्ट लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में कैरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? 48 का ए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो एकांतर अक्षर काट दिया जाए तो मध्य में कौन सा अक्षर रह जाएगा? 49 का बी। यदि वर्ष 1991 की 1 जनवरी को सोमवार है तो वर्ष 2002 में 1 जनवरी को क्या दिन होगा? डी मंगलवार। खंड व कला वर्ग अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा मत भारत के संविधान का समवर्ती सूची में है? बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। एक समूह जिसमें तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है? संदर्भ समूह। निम्नलिखित जोड़ो जिसका शामिल है, क्वेश्चन नंबर 54, खजुराहो का मंदिर चंदेल। क्वेश्चन नंबर 54 किसका सुमेल है? एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों ने बनवाया। मीनाक्षी का मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया। खजुराहो का मंदिर चंदेलों द्वारा बनाया गया। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लों ने बनवाया है। पल्लो, एलोरा, राष्ट्रकूट,
मीनाक्षी मंदिर, पांडवों ने महाबलीपुरम का मंदिर, पल्लव ने बनवाया है महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन सी संस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 सी अपराधी दल संस्था नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 56 का डी इनमें से कोई नहीं। 56 का डी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन हिम को दिया जाता है। ऑक्टेवियन हिम को दिया एलन ऑक्टेवियन हिम को दिया जाता है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में कौन सी अकादमिक भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? 58 ए संविधान निर्माण प्रक्रिया के शक्ति प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को। पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में कैसे पूरा होता है? पुत्री का अभाव लड़की को गोद लेकर। इस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में देवताओं की संस्तुति और प्रार्थना है। यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित है। अर्थोवेद चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद में गायन और वादन से संबंधित है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति व प्रार्थना, यानी 21 वैदिक ग्रंथों में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में कर्म कांड से संबंधित है यजुर्वेद, और अर्थोवेद कैसे संबंधित है? चिकित्सा संबंधित है अर्थोवेद से। और सामवेद क्या है? सामवेद गायन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता छोड़ वो उन्हन के चक्कर में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। वार्षिक पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में। दैत्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? निम्बकाचार्य जी। दैत्यवाद निम्बकाचार्य जी। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक शासन और केंद्र का एजेंट। संवैधानिक शासन और केंद्र का एजेंट। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गरीबी में सबसे गरीबों की मदद करना। राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या है? सी संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन टाइगर प्रदेश के संबंध में सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन टाइगर प्रदेश के संबंध में सत्य है? 69 का डी उपरोक्त सभी यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस प्रदेश की वनस्पति कोटधारी अथवा शंकुधारी। लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। जो कि 45 अंश से 70 अंश के बीच में है। 45 अंश से 70 अंश के बीच में है, अक्षांश के बीच में। 45 अंश उत्तरी अक्षांश से 70 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? 70 का ए बनवाली से मिला है। 70 का ए बनवाली से मिला है।
बनवाली हड़प्पा स्थलीय सभ्यता की पक्की ईंट का बना एक खिलौना एक बन बना हल का एक खिलौना बना है। हल मिला है मिट्टी का। तो बनवाली में सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि देवी से सिद्ध होती है। 71 का से काली बंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होती है। कालीबंगा राजस्थान। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तापी की है। विशाखदत्त के प्राचीन ना भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? बी एक आर्य राजकुमार एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है। विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस में एक आर राजकुमार और एक कबीलाई महिला के प्रेम के बारे में बताया गया है। विशाखादत्त गुप्तकालीन साहित्यकार थे जिसके द्वारा देवचंद्र गुप्तम मुद्रा राक्षस तथा सुभाषितानी नामक रचना की गई है। देवचंद्र गुप्तम किसकी रचना है? विशाखादत्त का है। देवो चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस और सुभाषितानी तीनों के लेखक विशाखादत्त जी हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 75। 75 का भी कुतुबुद्दीन ऐबक। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 76 का सी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ये परी प्रशांत महासागरी पेटी में पाए जाते हैं जहाँ नवीन मोड़दार वलित पर्वतीय क्षेत्र है। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन ए होगा, माल और धर्म। समुदाय के लिए क्या आवश्यक नहीं है? धर्म आवश्यक नहीं है। अर्थशास्त्र में ग्रीष्म का नियम किससे संबंधित है? 78 का भी मुद्रा संचालन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? 79 के सी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ग्रेसम के नियम के अनुसार बुरी अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 80। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन सी साबरमती से किया था। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है। 81 का सी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? 82 के सी अशोक के अभिलेख प्रकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गिरनार शिलालेख में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा। कंधार शिलालेख में जीव हिंसा त्यागने की बात कही गई है। टोटोपरा जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित अशोक स्तंभ का रेप्लिका डुप्लीकेट जिले में रौदौर खंड के गांव टोपरा में कला में स्थापित है। यानी कि अशोक शिलालेख टोपरा में भी है यानी पाटलिपुत्र में नहीं है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? 83 नंबर का ए ऑप्शन राइट आगरा का किला में। इफको क्या है? 84 का सी भारतीय कृषक सहकारी संस्था है इफको। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है? एम एन राय। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? 86 का ए भीम बेटिका। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया है? कृष्ण देव राय जी ने कराया है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है।
वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। 88 का भी पृथ्वी से विकिरण द्वारा। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है। बी ऑप्शन राइट, ब्राह्मी है। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है ए श्रमिकों की संख्या से। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है श्रमिकों की संख्या से। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसकी विकास पर विशेष जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है हंटर कमीशन के। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, आक्रमण तथा अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है? 94 का डी, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की दशा में। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? बी ऑप्शन भूमि विकास बैंक के द्वारा। वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? फिरदौसी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? फिर दौसी था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? विशाखा दत्त हैं, जिनकी कृतियां देवचंद्रन गुप्तम, सुभाष सानी और मुद्रा राक्षस है। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय 1861 में लॉर्ड कैनिंग थे। संवाद कौमुदी के रचयिता संपादक कौन है? संवाद कौमुदी के पत्र के रचयिता संपादक थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी प्रजा का चार, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की रचना है। संवाद कौमुदी प्रजा का चांद, मिरातुल अखबार सब राजा राम मोहन राय की रचनाएं हैं। विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रमुख संप्रदाय मत आचार वैष्णव विशिष्टाद्वैत कौन है? रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्मा प्रमुख संप्रदाय मत द्वैतवाद हैं, माधवाचार्य हैं। रुद्र शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी जी हैं। सनक द्वैत निम्बकाचार्य हैं। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद के हैं। वैशेषिक दर्शन कणाद के हैं। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल मुनि, न्याय के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं।